ओहो म्यूनिस खत्म हो गई भैया, म्यूनिस देना। जी भैया जी, अभी देता हूँ। म्यूनिस तो खत्म हो यार, म्यूनिस तो खत्म हो गई, दूसरी पन्नी खोलनी पड़ेगी। लो जी, ये लोग भी ना, इनका रेगुलर कस्टमर हूँ तो डायरेक्ट मोमोज में म्यूनिस डाल दी। ये लीजिए भैया म्यूनिस। अरे भैया आप बिना भी तो दी म्यूनिस, और कितनी दोगे? अरे नहीं भैया, हमने तो नहीं दी आपको म्यूनिस। एक मिनट, कहीं म्यूनिस क्या? भैया टिमसन है? टिमसन? हाँ मैडम जी, बहुत गुमसुम है। जब से मेरी पत्नी उस चिली पटेटो वाले के साथ भागी है, बहुत गुमसुम है। अरे भैया गुमसुम नहीं, डिमसिम डिमसिम। मोमोज मांग रही है वो, दो प्लेट लगा दो। अरे नहीं नहीं बेबी, आप खा लेना, मैं तो बस टेस्ट करूंगी। अच्छा भैया एक प्लेट लगा दो। अभी लगाते हैं भैया जी। ये लीजिए मोमोज। लो बेबी टेस्ट कर लो। अरे भैया ये वाला तो फटा हुआ है मोमोज का पीस, दूसरा दीजिए। हमारी भी तो फटी पड़ी है मैडम जी, खा लो ना, पेट में कौन सा ऐसी चिपके हुए जाएंगे, पेट में जाके भी तो फटी जाएंगे ना। नहीं नहीं भैया दूसरा ही दो आप। चलो जल्दी से तुम टेस्ट कर लो, फिर मैं खाता हूँ। ओके बेबी। अरे खा ना जल्दी। आपने तीखी वाली चटनी तो डाली नहीं इसमें। अरे भैया तीखा डालो यार, बेबी को तीखा तेज पसंद है। तीखा डालो। बेबी जल्दी से टेस्ट कर लो ना, फिर मैं खाऊंगा। क्या भैया आपको समझ नहीं आता क्या? और चटनी डालिए ना इसमें, और तीखा होना चाहिए। दिखाओ इधर। लो खाओ। अरे हो गया टेस्ट, तो मैं खा लूं। अरे भैया मेयोनीज तो दी नहीं आपने, मेयोनीज डालो ना इसमें। भैया थोड़ी और डालो ना, कंजूसी क्यों कर रहे हो? खाओ। भैया आपको तो पता भी नहीं कि मुझे मेयोनीज कितना पसंद है। मुझे तो इतना पसंद है कि मैं ना फेस क्रीम की जगह पर भी मेयोनीज ही लगाती हूँ। अबे तू पागल हो गई है क्या? मेरे को मोमोज तो खाने दे। मैंने टेस्ट कर तो लिया बेबी, मैंने खाया या तुमने खाया, एक ही तो बात है। चलो चलो मेरा हो गया। अरे भैया पैसे। हाँ पैसे, ये लो भैया। अरे बेबी रुको, हर वक्त तो तुम ही खर्चा करते हो, आज मैं पे करूंगी। क्या बात है। अरे चलो यार, अब तो 12th भी कर ली, अब क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। सही में यार, मैं तो चाहता हूं हम कुछ ऐसा काम करें ना जिसमें खूब सारा पैसा हो, आईफोन हो, गाड़ी हो, सब हो। ओए मैं दहेज के ना सख्त खिलाफ हूं, बैंक लूटे। अबे बकवास करना बंद कर, मुझे नहीं पता, मेरे को आईफोन चाहिए। यार आईफोन तो मुझे भी चाहिए। हाँ हेलो मुन्ने की अम्मा, हम कह रहे थे हमारा वेट मत करना, खाना खा के सो जाना, ठीक? आईफोन? हाँ ठीक भाई। ये मोमोस वाले के पास आईफोन कहाँ से आया? और इसके पास तो मेयोनीज कम पड़ जाती थी ना, ये पूरा आईफोन उठा लाया। भाई मुझे लगता है मोमोस के बिजनेस में ना बहुत ज्यादा ही पैसा है। कितना कमा लेता होगा वैसे ये? भाई देख, ये एक प्लेट बेचता है 50 रुपए की, जिसमें आते हैं 5 मोमोस, मतलब एक मोमोस 10 रुपए का। लेकिन भाई मोमोस बनाने का खर्चा कितना आया होगा ये कैसे पता चलेगा? अबे चलना जाके उससे पूछ ही लेते हैं। चल चल। अबे आराम से। क्या बात है भैया जी, नया आईफोन जल गया आपके भी? अरे नहीं नहीं भैया जी, सब उस ऊपर वाले की कृपा है। इसका मतलब भाई इसको ये आईफोन इस कबूतर ने दिलाया है। अबे भैया का कहने का मतलब कि भगवान जी की कृपा है। भैया वैसे ये मोमोज बनाने में कितना खर्चा आ जाता होगा? अरे भैया महंगाई बहुत है, अब मैदे को ही ले लो, एक प्लेट मोमोज में 10 रुपए का तो मैदा ही लग जाता है। 10 रुपए मैदा? 10 रुपए भाई मतलब 10 का मैदा 40 का प्रॉफिट। सही मजे हैं यार इनके। अबे गधे खाली मैदा खाएगा क्या? पत्ता गोभी भी तो लगता है उसमें। भैया पत्ता गोभी का कितना? पत्ता गोभी लगा लो भैया 5 रुपए का। 5 रुपए और भैया गैस?
गैस वो तो भैया मोमोज खाने के बाद आपके पेट में होगी ना। अबे वो इस सिलेंडर वाली गैस की पूछ रहा है। अच्छा ये इसका भी 5 रुपए लगा लो। तो भैया इस हिसाब से आपकी एक प्लेट हुई 50 रुपए की, जिसको बनाने में लगते आपके खाली 20 रुपए, मतलब 30 रुपए का प्रॉफिट एक प्लेट पे। और भैया आप दिन की कितनी प्लेट बेच लेते हो? यही कोई दिन का 2-3। 200-300 प्लेट दिन का? सही है यार। 1000-2000 प्लेट दिन का। 2-3000? साइड में भाई इसका मतलब समझा, 30 × 3 यानी कि दिन का 90,000, यानी महीने का 27 लाख। और भाई ये तो सिर्फ शाम को ठेली लगाता है, और जबकि हम तो पूरा दिन वेले रहते हैं। हम पूरा दिन मोमोज बेकेंगे और भाई BMW मर्सिडीज में घूमेंगे। भाई इसका मतलब तू समझ रहा है हमें क्या कर रहा है अब? ट्यून चेंज है मामा। ओ मोमो ले लो, मोमो ले लो, जिसके पास गोरे गोरे गोल गोल मोमो ले लो। ओ ले 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 लो, मोमो ले लो। आजा आजा लो जी, पहला ग्राहक आ गया, बताओ ये क्या लोगे? अबे मोमो लेने आए तो मोमो ही तो लेंगे। सही बात है, पिंकू उठा इनके मुंह में मोमो। ये लो भैया मोमो खाओ। ओए मां चाय लो, मैं 5 मिनट सुसु करने गया, तुमने मेरी दुकान हड़प ली। तुम्हारी सौतन से मिलवाऊंगा। क्या? कौन है मेरी सौतन? मोमोज। भैया एक प्लेट मोमोज लगा दो। अरे भैया जी कब तक वही पुराना पत्ता गोभी वाला मोमोज खाओगे? हैं? अजीब पागल है, अपनी दुकान की बेइज्जती कर रहा है। अरे भैया जी पागल वागल नहीं हूँ मैं, अब मैं एक्सपेरिमेंटल मोमोज बेचता हूँ, बोले तो एकदम अभी। ये मोमोज है तेरी पल्सर बाइक नहीं, कि शोरूम से निकाला मॉडिफाई करके हायाबुसा बना ली। नॉर्मल मोमोज खिला दे। अरे तुम चुप रहो ना भैया, कुछ खिला रहे हैं तो सोच समझ कर ही खिला रहे होंगे ना। भैया खिलाओ खिलाओ। भैया एक काम करो, आप ये खाओ लिपस्टिक मोमोज। अरे ऐसे कैसे नहीं खाते भैया जी? एक बात बताओ, मैडम जी लिपस्टिक लगाती हैं? अरे इसमें पूछना क्या, लगाते होंगे तभी तो इतनी सेक्सी दिख रही हैं। अबे ओ मोमो समझा। हाँ तो हमारा मतलब था जब मैडम जी लिपस्टिक लगाते होंगे तो लिपस्टिक भी तो धीरे धीरे उनके मुंह में जाती होगी ना। जाती तो मेरे मुंह में भी है। हैं? कुछ नहीं आगे बोलो। तो बस भैया जी उसी तरह हमारे स्पेशल लिपस्टिक वाला मोमोस है। आपको क्या लगता है भैया जी, कंपनी जो तरह तरह के फ्लेवर वाला लिपस्टिक बना रही है, काहे बना रही है? लिपस्टिक में स्वाद है तभी तो बना रही है। अरे भैया यार नॉर्मल मोमोस दे दो। तुम चुप रहो, भैया बना रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बना रहे होंगे ना। तुम खाओ खाओ। बताओ गर्लफ्रेंड के लिप्स से लिपस्टिक टेस्ट करने की जगह मोमोस से टेस्ट कर रहा हूँ। अरे भैया मेरे को नहीं खाला ये, कुछ ढंग का है तो बताओ। ओए माँ। अरे भैया जी आप एक काम करो, आप ना मोतीचूर के लड्डू वाले मोमोस ट्राई करो, हम खिलाते हैं आपको बना के। रुको भैया, पागल वागल हो क्या, नशे करके बैठे हो? नेपाल वाले जिन्होंने मोमोज का आविष्कार करा है, तुम्हारी बात सुनेंगे ना खुद को फांसी लगा लेंगे। चुप रहो बेबी, भैया ने बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा ना। भैया जी एक बात बताओ, मोमोज की चटनी होती कैसे है? इसकी तरह तीखी। तो उसका तीखापन बैलेंस करने के लिए कुछ तो मीठा चाहिए ना। हाँ तो बस फिर खाओ ये मोतीचूर के लड्डू वाला मोमोस तीखी चटनी के साथ। मेरे तो एल लग गए। अरे मैडम जी लगता है भैया जी पेट से है, उल्टी आई किए जा रहे। ओ सुने बहुत हो गई तेरी बकवास, अगर कुछ बढ़िया खिला रहे ना नॉनवेज में तो बता, वरना हम चले डोरेमोन आंटी का मोमोस खाने। भैया जी आप तो नाराज ही हो गए, हम ना आपको हमारे स्पेशल नॉनवेज मोमोस खिलाते हैं। ये लो भैया जी हमारे स्पेशल नॉनवेज मोमोस। अरे भैया अब ये क्या है? तुम चुप रहो, भैया ने बनाया है
तो कुछ अच्छा ही बनाया होगा ना। मैं खाती हूँ। कैसी डंगर औरत है, पता नहीं क्या क्या खा जाती है। कैसे लगे? तो भैया ये क्या हो गया इसे? ये क्या था? भैया जी कौवा मोमोस। क्या कौवा मोमोस? चलो चलो डॉक्टर के ले चलता हूँ। अरे भैया भैंस का इलाज कहाँ हो गया? भाई क्या खाएगा? भाई कुछ भी खिला दे, लेकिन बस ये वेज वाली दुकान से खिलाइयो, नॉनवेज वाली दुकान से नहीं। भाई नॉनवेज वाली दुकान में क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे भाई उसी सेम कढ़ाई में वेज बनाते हैं, उसी सेम कढ़ाई में नॉनवेज, मैं नहीं खाऊंगा ऐसे। एक काम करते हैं, मोमोज खाने चलते हैं, उस पे तो कढ़ाई नहीं होती। वेज का वेज अलग, नॉनवेज का नॉनवेज अलग, टेंशन ही खत्म। सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा। चल भैया एक प्लेट। एक मिनट, वेज और नॉनवेज अलग है ना दोनों? अरे हाँ भैया जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एकदम अलग है वेज और नॉनवेज। हाँ तो भैया एक काम करो, पहले अपने हाथ धो लो, फिर निकालना एक प्लेट वेज मोमोज। पता है क्या है, ये जो माही है ना, मुझे लग रहा है इसमें बहुत पोटेंशियल है, वर्ल्ड कप जीतवा सकता हमें। और पता है क्या, मैं बता रहा हूँ, उसे नाक में उंगली दी। अरे हाय भैया आप क्या कर रहे हो, आपने चिमटा तो धोया ही नहीं, मतलब एक ही चिमटे से वेज भी और नॉन वेज भी। भैया ये देखो मेरे को मुर्गी के पंख लगे देख रहे हैं उसमें, उसे धो पहले। अब ठीक है भैया जी, अब निकाल दूं। इतना तो गर्लफ्रेंड एक पप्पी देते वक्त नखरी नहीं दिखाती जितना आप एक प्लेट मोमोस लेते वक्त दिखा रहे हो। अरे हाँ भैया जल्दी करो, भूख लग रही है, तब से आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। ये ले भैया, एक प्लेट चिकन मोमोस भी लगा दो। अरे हाय आ गए नॉन वेज वाले, सुकून से खाने भी नहीं देते वेज वालों को। एक मिनट एक मिनट, आपने नॉन वेज वाला इसी बर्तन से निकाल दिया, मतलब आपने मेरे को नॉन वेज वाले दे दिए। अरे तौबा तौबा। अरे नहीं भैया जी, आपको तो वेज ही दिए। मतलब आप इस भाई को नॉन वेज के नाम पे वेज दे रहे हो? हाँ। क्या तू मुझे वेज मोमोज दे रहा है? अरे नहीं भैया जी, इनको नॉन वेज ही दिए हैं। अबे तो मतलब तूने वेज और नॉन वेज एक ही डब्बे में रखे हैं? अरे ऐसे कैसे भैया, ये देखो ग्राउंड फ्लोर पे हैं नॉन वेज वाले और फर्स्ट फ्लोर पे हैं वेज वाले। अबे लेकिन नॉन वेज वाले की भाप ऊपर वेज वाले पे तो पड़ी रही है ना। अरे यार इसने मेरे को नॉन वेज खिला दिया, तौबा तौबा। भैया जी लेकिन सुनिए तो। अरे क्या सुनूं तेरी, मेरा दम ब्रश कर दिया तेरी तो। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को करना लाइक, वीडियो का बेस्ट पार्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को करना शेयर, और जिसने मेरा चैनल गुड्डू भैया अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो, लाल वाला बटन है दबा दो, एकदम फ्री है। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक बाय। चल भाई लगा दे तंदूरी लगा।